मोलरिटी ऑफ वाटर इज 55.5। हमने कैसे कैलकुलेट करा, हमने वॉल्यूम को कंसीडर करा कितना 100 ml किसकी सॉल्यूशन की। ठीक है बच्चों, फिर हमने उसके बाद क्या काउंट करा, हमने डेंसिटी बराबर क्या होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास बराबर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू 1 इनटू वॉल्यूम बराबर 100, तो मास कितना आ गया 100 ग्राम आ गया। मास जैसे ही हमारे पास 100 ग्राम आया तो मोलरिटी का फॉर्मूला लगा दिया, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं मोल्स क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो वेट कितना दे रखा है मास अपॉन मोलर मास के लिए, मास 100 ग्राम है और मोलर मास कितना 80 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम कितनी देर की सॉल्यूशन की 100 ml, 100 अपॉन 1000 क्यों, क्योंकि हमको लीटर में लेनी है, तो 100 अपॉन 1000 करा। ठीक है, हमने इसको सिंप्लीफाई करा और क्या आ गया हमारे पास, वाटर की हमारे पास क्या आ चुकी है, मोलरिटी आ चुकी है। ये बहुत सिंपल तरीका होता है, आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आवे आप डायरेक्ट आंसर लगाइए।